जनपद हरदोई का शहर शाहबाद का घंटाघर बना नशेड़ियों का अड्डा घंटाघर की जर्जर हालत दे रहा है बड़ी दुर्घटना को दस्तक। पुराने समय की आन बान शान शाहबाद का घंटाघर आज अपनी पधारी पर आंसू बहा रहा है। एक समय था जब घंटाघर की घंटे की आवाज़ को सुन लोग अपने काम को पूरा किया करते थे। आज वही घंटाघर नशेड़ियों और स्कूलियों का अड्डा बनता जा रहा है। कई दशक पुराना यह घंटाघर आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। सबको समय का आभास कराने वाला यह घंटाघर कम शौचालय बनता जा रहा है, जहां आसपास के दुकानदारों से लेकर राहगीर तक इसको शौचालय की तरह उपयोग कर रहे हैं। आज जब सेटेलाइट न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति बड़े सुकून से शौचालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। घंटाघर का ऊपरी हिस्सा शौचालय और नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जगह जगह नशे के लिए इस्तेमाल किए गए सिरिंज और कई प्रकार के नशे के इंजेक्शन और खाली व्हाइट नर्स की सीसी इशारा कर रही है कि यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा लगता है। अफसोस की बात यह भी आम लोग अपने ही धरोहर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज घंटाघर की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। घंटाघर की दीवारों में जगह जगह पर दरारें आ गई हैं, किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नगर के मुख्य बाजार में स्थित होने के कारण यह घंटाघर आते जाते सभी नगरवासियों की नज़र इस पर उठ जाती है, लेकिन दशकों से खड़े इस घंटाघर की आज जो दुर्दशा है इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ रही है। सब अपने पद की चकाचौंध में खोए हैं। युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष आशीष अवस्थी के द्वारा घंटाघर के नवीनकरण के लिए सांसद अंशुल वर्मा को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक तरफ जहां सरकार नशामुक्त देश के निर्माण के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर घंटाघर की कहानी कुछ और ही बयां करती है। नशा किसी भी प्रकार का हो, हमारी नस्लों के लिए दीमक का काम कर रहा है। समाज को आज जरूरत है सिर्फ ठोस कदम उठाने की और जागरूकता की। वो इस नशे को जड़ से उखाड़ फेंके। नाम बताइए। हमारा नाम संजय। ये घंटाघर कितना पुराना है? घंटाघर तो नहीं पता हमें, है बहुत पुराना जी, मगर तो सालों से ऐसे बंद पड़ा है। सब गंदगी यहाँ पे, इसमें अच्छे लोग आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जर्जर हालत में है। इसमें कोई निर्माण नहीं हो रहा, रास्ता सब छुटता है इसका। यहाँ पर ये कितना लगभग कितना पुराना होगा? आप कितने टाइम से देख रहे हैं इसे? हम तो इसे सन लगभग 80 से देख रहे हैं, मगर ये है पुराना। हसन लाल गुप्ता थे मेरे हिसाब से उस समय जब बना था। कभी चलता देखा है इसे? लगभग 20-25 साल पहले एक बार घड़ी चली थी इसकी, सही कराई गई थी तब ये चली थी, उसके बाद से बंद है, तो अभी तक बंद है इसकी। कभी जनपद हरदोई से निर्मल मिश्रा की रिपोर्ट।